नमस्कार मित्रों, MSW के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं नोटिफिकेशन लेके आया हूँ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में जो वैकेंसी आई है, झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। 87 वैकेंसी है। सारी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी वैकेंसी है। MSW की सिर्फ 87 वैकेंसी है, इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी की बात करें, लैब टेक्निकल की है, 8 पोस्ट है, 13,000 सैलरी है। इसमें कैटेगरी वाइज लिया जाएगा, जो आप देख सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है काउंसलर की है, 3 पोस्ट है, 13,000 सैलरी है, कैटेगरी वाइज है, जनरल और SC की। लैब टेक्निकल की बात करें, 61 पोस्ट है, 13,000 सैलरी है, कैटेगरी वाइज लिए जाएंगे, जनरल है, ST SC और OBC के लिए है। काउंसलर की बात करें, 67 वैकेंसी है, 13,000 सैलरी है, कैटेगरी वाइज लिए जाएंगे, जो आप देख सकते हैं। काउंसलर की है STI, 15 वैकेंसी है, 13,000 सैलरी है, जो आप देख सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है और क्वालिफिकेशन इस पोस्ट की क्या है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। अप्लाई आपको जो एड्रेस दिया गया है, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर झारखंड स्टेट कंट्रोल सोसाइटी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, सरदार हॉस्पिटल कैंपस, पुरुली रोड, रांची, पिन कोड आप देख सकते हैं। आपको इसमें 24/7/2019 तक इसमें अप्लाई करना है, ऑफलाइन। इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक का डिमांड ड्राफ्ट पे करना है। ये फॉर्म आप देख सकते हैं, ये फॉर्म आपको भर के स्पीड पोस्ट में सेंड करना है। क्वालिफिकेशन जो आप देख सकते हैं। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करें, लैब टेक्निकल की जो पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन है, मेडिकल डिग्री होनी चाहिए। इसमें भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर की बात करें, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है सोशल वर्क यानी MSW, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब टेक्निकल की बात करें, मेडिकल में ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। काउंसलर की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा साइकोलॉजी सोशियोलॉजी और सोशल वर्क, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। काउंसलर की बात करें, सोशल वर्क है, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको इसमें अप्लाई स्पीड पोस्ट द्वारा करना है। 24/7 तक इसमें अप्लाई करना है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और आपको ये एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।